सागर मंथर में एक और राक्षस खींचते हैं, दूसरी ओर देव आत्माएं खींचती हैं। जो राक्षस हैं वो किस ओर खींचते हैं पकड़कर? सत्य है क्या कहते हैं? सागर मंथन में एक तो कछुआ काम करता है, दूसरा मथने वाला जो दंड है उस दंड को बांध कर लपेट कर जो रस्सा कसी का खेल खेला जाता है वो दो पार्टियों के द्वारा, देवात्माओं के द्वारा और राक्षसी आत्माओं दैत्यों के द्वारा। जो दैत्य हैं उस सर्प के मुख को पकड़ते हैं क्या, और जो देव आत्माएं हैं वो क्या पकड़ती हैं? पूछ पकड़ती हैं। माने देव आत्माएं फॉलो करती हैं, जैसे गंगा सागर मेले में दिखाया जाता है कि गाय की पूछ पकड़ करके देवताएं सागर पार चली गई। पूछ पकड़ने का मतलब है फालो करना और मुख पकड़ने का मतलब है मुंह बंद करना, बंद करो बोल। जिसका नाम दिया है शास्त्रों में कि रावण के मुख हैं, जितना काटते जाओ उतना नए नए मुख नए नए प्रश्नों का अंबार लेकर निकलती रहती है। प्रश्नोत्तर का अंबार खत्म ही नहीं होता, वो मुख पकड़ने की बात है। जैसे पिछले साल ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त वाणी चला रहे थे तो जिस मुख से वाणी चला रहे थे कि दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे हैं और जब जब ये वाक्य बोलते थे तब तब वो डीचीकुरी के ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा का मुंह बंद करते थे, नहीं नहीं बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप माउंट आबू में बैठे हैं। माना दिल्ली में कोई राजधानी स्थापन करने वाला बाप दादा कोई है ही नहीं, बाप दादा तो माउंट आबू में वाणी चला रहे हैं गुलजार दादी के मुख से। तो दिल्ली में राज्य स्थापना की बात कहां से आ गई? वो असुर न बाप की वाणी को मानते हैं न माता की वाणी को मानते हैं, जो
जो ब्रह्म महावाक्य मुरली में बोला, बाप की बात भी माननी चाहिए और माता की बात भी माननी चाहिए। तो जब हम ब्राह्मण दादा लेखराज ब्रह्मा को ब्रह्मा माने बैठे हैं, जिस ब्रह्मा मुख से सुप्रीम सोल बाप वेदवाणी बोलते हैं, वेद का अर्थ है जानकारी, वेद सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी, सच्चाई की जानकारी दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से दी गई। परंतु क्या ब्रह्मा ने उस सच्चाई की बातों पर मनन चिंतन मंथन किया है? नहीं किया। और उनके फॉलोअर्स ने ब्रह्मा मुख से निकली जो ब्रह्म वाक्य है, रूपी मुरलियां हैं, उन पर ध्यान दिया? नहीं दिया। उनको फखुर रहता है ब्रह्मा माता की गोद का फखुर रहता है। जब कभी भी उनसे मुरली की बात की जाए, ब्रह्म वाक्य की बात की जाए, जो वेद वाक्य है, भगवान की सोल के उच्चारण किए हुए वाक्य हैं, तो वो बड़े फखुर से कहते हैं, अरे तुम हमको क्या ज्ञान सुनाते हो, हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, तुम कल के दुदमुहे बच्चे ज्ञान में निकले, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, कान से भी नहीं सुनेंगे। तो वो फाउंडेशन डालने वाले हैं,